कई नंबर्स का डिवाइड करना है। क्लास एरिया में रंग हमने आपको डिवाइड करना बताया था। ओके आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल्स याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल्स याद है तो यू आर एबल टू डू डिविजन और मल्टीप्लीकेशन। अगर नहीं याद है तो यू विल गेट प्रॉब्लम। ठीक है, सो हियर फर्स्ट वी अरेंज। ठीक, 47 डिवाइडेड बाय 5, 47 में 5 से डिवाइड करना है। हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे 47 डिवाइडेड बाय 5 हमेशा। अगर इधर जो भी नंबर होगा उसे हम बीच में अरेंज करेंगे और ये वाले नंबर को यहाँ अरेंज करेंगे। ठीक है ना, ऐसे हमने एडिशन किया था, हमने बैक साइड सबट्रैक्शन किया था बैक साइड से, मल्टीप्लीकेशन भी हमने पीछे से किया था, सिर्फ एडिशन हम आगे से करेंगे। ओके ठीक है, फर्स्ट डिजिट है 4 है ना, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा भी नहीं आता, तो हम दोनों डिजिट एक साथ लेंगे। ठीक, या तो नंबर उसके इक्वल आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, कभी भी उससे बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे। 5 के टेबल में 47, तो उससे पहले आपको 5 का टेबल याद होना चाहिए। ओके, सो 5 के टेबल में 47 से छोटा आता है 45। ठीक है, टेबल आप खुद से करो। 5 के टेबल में 47 से छोटा आता है 45 9 टाइम्स में आता है, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे और 45 हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब हम करेंगे माइनस फ्रॉम द बैक साइड है ना, माइनस को पीछे से करते पीछे से करेंगे। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 एंड 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, ये डिवीजन हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जो भी आंसर आया, ये यहाँ पे जो भी नंबर आया इसे बोलते हैं कोशेंट, और ये हमारे डिवीजन का आंसर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशेंट, क्या आया हमारा कोशेंट 9, और जो यहाँ पे होता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो ये लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर, कितना आ गया हमारा 2। Now the next question is 28 divided by 4. 28 में 4 से डिवाइड करना है। फर्स्ट हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। ओके, 28 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, 2 4 के टेबल में नहीं आता, ऐसे कोई छोटा नंबर आता है। अब 28 दोनों एक साथ है ना, तो 4 के टेबल में 28 आता है 7। ओके, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे और 28 यहाँ लिखकर हम माइनस करेंगे। ठीक, तो ये जो आया इसे बोलेंगे कोशेंट, कितना आया 7, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। जब भी आप डिवीजन करोगे आपको कोशेंट और रिमाइंडर लिखना ही है। ओके, नाउ द थर्ड इज